नमस्कार, मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज आपको प्रभाववाद के बारे में बताऊंगी कि प्रभाववाद क्या है। पहले मैंने आपको यथार्थवाद के बारे में बताया था कि यथार्थवाद में डेलाक्रा और कूर्बे ने बहुत काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो है, जैसा दिख रहा है, जैसा दिखता है वही कला है। कला के क्षेत्र में चित्रकार को कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा दिख रहा है वैसा ही वह चित्रित करे। वह कहते थे कि मुझे देवता दिखाओ, मैं देवता का चित्रण करूंगा। लेकिन चित्रकला के क्षेत्र में जैसा है आपको वैसे ही चित्रित करो। कलाकार को कोई ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने मर्जी से कला के क्षेत्र में कोई भी कार्य करे या कोई नए प्रयोग करे। इस चीज के वो बिल्कुल इस चीज को नहीं मानते थे। धीरे धीरे कला के क्षेत्र में भी समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर क्षेत्र में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। डेलाक्रा ने भी अपने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत परेशानियां उठाई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक नैसर्गिकतावादी, एक सत्यनिष्ठ कलाकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वे कहते थे कि जो सौंदर्य है वो चित्र में निहित है, जैसा दिख रहा है वही सौंदर्य है। लेकिन आज मैं आपको प्रभाववाद के बारे में बताऊंगी कि प्रभाववाद क्या है। आधुनिक कला और प्राचीन कला में बहुत अंतर है। जैसा कि जो प्राचीन चित्रकार थे वो राजा महाराजाओं के चित्र बनाना पसंद करते थे। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर उनकी चित्रकला निर्भर करती थी। सामाजिक दृश्य बनाना वो पसंद करते थे। जबकि आधुनिक कलाकार के लिए चित्र का जो विषय थे वो कोई महत्व नहीं रखते थे। आधुनिक कलाकारों ने कहा कि हम जो कला करें वो हमारे मन से निकली हुई कला होनी चाहिए, मन से उपजी हुई कला होनी चाहिए, जो हमारे मन में विचार आता है। कला क्या है? जो भी हमारे मन में विचार आते हैं हम उनको अभिव्यक्त करते हैं, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, वही चित्रकला है। ये एक मानवीय धारणा है कि जैसा हमारे मन में विचार आते हैं हम उसको प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कला के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं, सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन प्रभाववादी कहते थे कि प्रभावपूर्ण तरीके से आप अपनी कला को प्रकट करो, लेकिन उसमें विषय को बिल्कुल महत्व नहीं दो, विषय को गौण रखा जाए। और जो भी आपका समकालीन साहित्य है, काव्य है, जो भी उस समय चल रहा था वो सब प्रभाववाद की ओर आकर्षित होता चला गया। चित्र में विषय के महत्व को ठुकरा दिया गया। दैनंदिन जीवन से लेकर कोने में पड़ी जो आलतू फालतू वस्तुएं होती हैं वो भी प्रभाववादियों ने चित्रित की। प्रभाववादियों ने कहा कि जो भी हम कलाकृति बनाते हैं उसमें किसी महत्वपूर्ण विषय की आवश्यकता नहीं है। हमारे मन में जो भी भावनाएं आती हैं, जो भी हमारी मानसिक अवस्था है, हम उसको, अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से चित्रित कर सकते हैं। जो भी हमारे मन में भावना आती है उसको प्रत्यक्ष रूप से हम समाज के सामने चित्र के माध्यम से रख सकते हैं। अब प्रभाववाद के क्षेत्र में कलाकार स्वतंत्र हो गया, अपना उन्मुक्त जीवन जीने लगा। जो भी उसके मन में बातें आती थी, जो भी उसके मन में विचार आते थे, मन में धारणाएं आती थी, वो अपने विचारों को एक रूप देने का प्रयत्न करने लगा, वो भी एक कला के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगा, और यह प्रभाववादी कला कहलाई। उन्होंने, प्रभाववादियों ने समस्त सृष्टि को ही विषय चुना है। उनके लिए ये नहीं है कि कोने में कोई अटाला पड़ा है, कोई वस्तुएं पड़ी है जो किसी काम की नहीं है, वो उसको भी चित्रण करने लगे। समस्त सृष्टि के सौंदर्य को भी उन्होंने चित्रित किया। सौंदर्य और सिर्फ सौंदर्य को चित्रित करना उनका प्रमुख ध्येय रहा। प्रभाववादियों का जो कलाकार था वो हमेशा के लिए आत्म केंद्रित हो गया। जैसा उसका आत्मा कहती, जैसा उसका मन कहता, जैसा वह स्वयं सोचता, वैसा ही वो चित्रित करने लगा। जो बाहरी प्रकृति देखता था उसको देखने का जो उसका तरीका था वो भी उसका बदल गया। हर दृष्टि से वो हर चीज को अपनी स्वयं की नजरों से, स्वयं की दृष्टि से देखता था और वो विषय पर पर्दा डाल देता था। इससे वो जो चित्र बनता था वो उसका अपना चित्र होता था। प्रकृति, बाहरी शहरी के जो दृश्य थे, सामाजिक घरेलू प्रसंग थे, वो ही वो चित्रित करने लगा।
इस तरह से एक समाज का जो साधारण नागरिक था वो भी प्रभावती तरफ आकर्षित होने लगा, वो भी अपना चित्रण करने लगा, क्योंकि अब चित्रकला बंधन मुक्त हो गई थी। कलाकार उन्मुक्त मन से जो उसको मन में आता था वही वो चित्रित करता था। इसी तरह से प्रभाववाद को कुछ लोग जैसे यथार्थवाद का रूप मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ यथार्थवाद बिल्कुल अलग था। यथार्थवाद में चित्रों के विषय औचित्यपूर्ण थे, चित्रों में विषय को महत्व दिया गया था, जबकि प्रभाववाद में चित्रों में विषय को गौण रखा गया है। वहां वो जो भी कुछ सोचता है वही वो चित्रित करता है। प्रभाववाद में जो ठोस आकार की रचना थी उसकी भी अभिव्यंजना है। प्रभाववाद ने जो आकार जैसा है उसको उसी रूप में चित्रित ना किया, जैसे कि कोई त्रिआयामी चीज है जिसमें लंबाई चौड़ाई गोलाई सभी चीजें हैं, लेकिन उसको भी उसने लंबाई चौड़ाई या चौकोर आकार में भी चित्रित कर दिया। यानी चित्रकला का जो मूल जो उसका रूप है चित्र का, उसको भी उसने बदलकर अपने अनुरूप उसका रूप प्रस्तुत कर दिया अपने चित्रों में। प्रभाववाद में विषय का कोई अस्तित्व नहीं था, विषय का कोई उद्देश्य नहीं था, जबकि यथार्थवाद के जो विषय थे उनका अपना उद्देश्य था। विषय उद्देश्यपूर्ण थे, जबकि प्रभाववाद में विषय बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण नहीं थे। वस्तु के सिर्फ नैसर्गिक रूप पर विचार किया गया और उसकी सुंदरता पर विचार किया गया। हाँ, ये मैं आपको जरूर बता दूं कि प्रभाववादियों ने सौंदर्य का और विशेषतः सौंदर्य का ही विशेष ध्यान रखा कि है। उनका कहना है जो सुंदर है वही चित्र है और वही चित्र है जो सुंदर है। नैसर्गिक जो उनके वर्ण होते हैं उसका भी उन्होंने विचार नहीं किया कि चित्र में वर्ण कैसा होना चाहिए, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। वो अपने मन से जो भी चाहे वो उस चीज में रंग लगाते थे। सुंदर इनकी रंग योजना थी, रंग इन्होंने अपने अनुकूल मनोनुकूल लगाए, रंग बहुत सुंदर थे। तूलिका संचालन जो था उनका, जो तूलिका यानी ब्रश चलाने का, उसमें वो स्ट्रोक्स के माध्यम से चित्र करने लगी। जैसा उनका मन चलता था वैसा ही वह अपने चित्रों में तूलिका का संचालन करते थे। प्रभाववाद के कारण आधुनिक जो चित्रकार थे उनको भी चित्र बनाने का साहस आया। अब उनमें भी साहस जागृत हो गया कि भाई अब तो हम भी चित्र बना सकते हैं, क्योंकि अब चित्रों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वो बंद जाते थे। अब वे उन्मुक्त थे और जो उनके मन में आता था वह वो चित्र कर सकते थे। अब प्रभाववाद में कलाकारों को साहस उत्पन्न हुआ और लोगों ने चित्र बनाने स्टार्ट किए। अपने विचारों का भी आदान प्रदान करने लगे लोग, विचारों को भी चित्र में महत्व मिलने लगा कि जो उनके मन में आता था वही विचार वो चित्रकला के माध्यम से प्रकट करते थे। कला के क्षेत्र में जो परंपरागत अंकन पद्धतियां चली आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि हर समय में चाहे वो नवशास्त्रीयवाद हो रोमांसवाद हो, उसमें एक परंपरागत पद्धति चलती आ रही थी, लेकिन यथार्थवाद यानी अब जो प्रभाववाद आया उसमें चित्रकार बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। अब वो स्वतंत्र रूप से अंकन करने लगा। आधुनिक कला में अंकन पद्धतियों की नींव जो पड़ी है, स्वतंत्र अंकन पद्धतियों की, वह प्रभाववाद के माध्यम से ही पड़ी है। कलाकार के मन में विषय के प्रति अब दृष्टिकोण का कोई महत्व नहीं रहा। अब उसके मन में जो भी सुविचार आता वो अपनी कला के माध्यम से उसको प्रकट कर देता था। आधुनिक कला का जो जन्मदाता है वो सेजान को माना जाता है। सेजान को आधुनिक कला का जन्मदाता माना जाता है। जिस तरह की घनवाद की प्रणेता पिकासो है, ब्रॉक है, इसी तरह आधुनिक कला में सेजान को प्रमुख माना जाता है, पिता माना जाता है आधुनिक कला का। अभिव्यंजनावाद तथा भाववाद के जो प्रेरणा स्रोत है वांगो गोग्या, इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जो ये आधुनिक कलाकार हैं, इन्होंने जो भी कार्य किया है अपनी मनोवृत्ति के अनुसार अपनी सोच के अनुसार इन्होंने कार्य किया है, जैसा सोचा वैसा चित्रित किया। चित्रकला में कोई इनके बंधन नहीं था। आरंभिक काल से लेकर जैसे जैसे प्रभाववाद की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, अब चित्रकार स्वतंत्र हो गया है, कला के क्षेत्र में उसको एक नई दिशा मिली है और चित्रकारों ने नई दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। कला के क्षेत्र में नए विचार नए मापदंड स्थापित हो गए। इन कलाकारों ने प्रचलित जो विचार थे उनमें बिल्कुल परिवर्तन कर दिया और नए विचारों को, उन्मुक्त विचारों को अपनी अंकन पद्धतियों में रखा
और नई अंकन पद्धतियों को बल मिला, नया कार्य को बल मिला और इसी तरह से प्रभाववादियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके मुख्य आर्टिस्ट है माने मोने देगा रिनॉय लॉथरिक, जिसके बारे में हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। धन्यवाद।